प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह बीए पार्ट थर्ड ईयर की पुस्तक से मोचीराम नामक शीर्षक से लिया गया है। तो देखो, ये जो पद्य है ये मोचीराम नामक कविता से लिया गया है। मोचीराम यहाँ ये बतला रहा है कि फटे हुए जूतों को देखकर ही ये पहचाना जा सकता है कि उनको पहनने वाला जो व्यक्ति होता है वह किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वह अपने इन जूतों की, लोगों के जूतों को देख करके वह उनकी स्थिति को भांप लेता है। तो ये कवि धूमिल द्वारा रचित है, ये कविता है। तो देखो, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है। जैसे टेलीफोन के खम्भे पर, जैसे टेलीफोन के खम्भे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। तो देखो बच्चों, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं आए। अगर एक या दो कठिन शब्दार्थ आते हैं तो मैं उस अर्थ के समय ही बता दूंगा। तो देखो, ये जो पद्य है ये धूमिल द्वारा रचित मोचीराम कविता से उद्धृत है। और आपको पता है कि जो कवि धूमिल हैं वो कहते हैं कि फटे हुए जूतों को देख करके मोची ये पहचान लेता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है, उसकी कैसी स्थिति है। तो देखो, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। देखो, मोचीराम कह रहा है कि बाबूजी, मोचीराम कह रहा है कि बाबूजी मेरे पास तरह 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 की हालातों में फटे हुए जूते मरम्मत के लिए आते हैं। मोचीराम कह रहा है कि बाबूजी मेरे पास तरह तरह की स्थिति में या हालातों में फटे हुए जो जूते हैं वे मरम्मत के लिए आते हैं। ये मरम्मत के लिए आते हैं, ये फटे हुए जूते अपनी स्थिति को प्रकट करने, अपनी स्थिति को प्रकट तो करते ही हैं, अपने पहनने वाले व्यक्ति की भीतर बाहर की व्यवस्थाओं भरी जिंदगी में समूची दास्तान बिना शब्दों के ही बयान कर देते हैं। ये फटे हुए जूते अपनी स्थिति तो प्रकट करते ही हैं और अपने पहनने वाले व्यक्ति के भीतर बाहर की जो व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं भरी जो जिंदगी है, उस जिंदगी की समूची दास्तान को बिना शब्दों के बयान कर देती है। उनके पास वो शब्दों से कहता नहीं है, वो उसकी स्थिति बतला देती है। बिना जूतों, बिना सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता, कवि कहते हैं, मोचीराम कहता है कि मरम्मत के लिए जो फटे हुए जूतों के माध्यम से पहनने वाले व्यक्ति की नवैयत, हालात स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है।
नवयत कहते हैं हालात स्थिति। नवयत किसे कहते हैं? हालात या स्थिति कहते हैं। कि मोचीराम कहते हैं कि स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है व्यक्ति के लिए, स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि उन जूतों की स्थिति को देख करके कि उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है। उदाहरण, मेरे पास एक जूता मरम्मत के लिए ऐसी हालत में आया हुआ है और जूते की शक्ल से अधिक गटे हुए चकत्तों की थैली जैसा लगता है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है। कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस गठे हुए चकत्तों की थैली जूते को जिस तरह से, जिस व्यक्ति ने पहना है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही विवश स्थिति में जीवन जी रहा है। उस जूते को देख करके बताया जा सकता है, बाबूजी जो चेहरा मेरे सामने खड़ा है उसे चेचक ने चुग लिया है। अर्थात चेचक के गहरे निशान उसके चेहरे पर हैं, किंतु इस चेचक से खुरदरे हुए चेहरों पर आशा और उम्मीदों की हंसी झलकती हुई दिखाई देती है। आशा और उम्मीदों की जो हंसी है वो झलकती हुई दिखाई देती है, जैसे टेलीफोन के खम्भे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। कवि कहते हैं कि वास्तव में उस व्यक्ति के चेहरे पर कभी कभी सुखी जीवन की उम्मीद की हंसी इसी प्रकार फड़फड़ा करके अपने को व्यक्त कर देती है, जैसे कोई कटी पतंग किसी टेलीफोन के खम्भे पर फंस जाए और हवा के हल्के झोंके से वह फड़फड़ाती हुई वहाँ फंसी रह जाए और फड़फड़ाती रहती है। तो देखो, ये जो कवि ने, धूमिल ने, मनुष्य की जो परिस्थितियाँ हैं, हालात हैं, उसके मुखाकृति आदि का चित्रण किया है। इसमें उपमा अलंकार है और इसमें जो भाव हैं कविता के, उस भावों के अनुकूल ही भाषा दर्शाई गई है। बच्चों, ये जो पद है, ये अगला पद है, इसका हम पहले पढ़ते हैं फिर अर्थ करते हैं। तो देखो, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? कभी कहते हैं बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांगता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो अगला पद है, ये जो प्रस्तुत अवतरण है, ये प्रस्तुत अवतरण धूमिल की मोचीराम कविता से लिया गया है। इसमें कवि धूमिल ने या मोचीराम के माध्यम से मनुष्य की जो विवश स्थिति है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था और उसके मन की या मानस की अभिव्यक्ति तो की है, साथ ही मोचीराम के सामने खड़े व्यक्ति की मानसिकता और व्यवस्था को पहचान करके उसकी गहराई का अनुभव किया है। तो देखो, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मोचीराम कह रहा है
कि मैंने उस फटे जूते पर पैसा खर्च ना करने की सलाह देते हुए कहा है। वो चिराम कह रहा है कि मैंने उस फटे हुए जूते पर पैसा खर्च नहीं करने की सलाह देते हुए कहा है कि बाबूजी इस पर तुम क्यों बेकार में ही या व्यर्थ में ही पैसा फूंकते हो, इस पर क्यों तुम बेकार में ही या व्यर्थ में ही पैसा फूंकते हो। यह कहने को तो मैं कह गया, किंतु कहकर स्वयं ही उसकी मजबूरी का अनुमान लगा करके और संकोच का अनुभव करने लगा है। कवि कहते हैं कि ये कहने की तो मैं कह गया हूं, किंतु कहकर स्वयं ही उसकी मजबूरी का अनुमान करके लज्जा और संकोच का अनुभव करने लगा है। ऐसे कहते हुए मुझे लगा कि मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, क्योंकि मुझे लज्जा और अनुभव होने लगा है, और इस लज्जा और अनुभव के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज है जो लड़खड़ा रही है, हकला रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो। कवि कहते हैं कहने का कारण यह कि मेरे भीतर ही कोई और दूसरी आवाज भी मुझे मना करती हुई टोकती हुई सी लग रही थी, जो ये कह रही थी कि अपनी ही जाति के मानव की इस प्रकार की अवहेलना मत करो, ये तुम्हारी जाति का मनुष्य है, इसकी अवहेलना क्यों कर रहे हो। कहने का भाव ये कि जो गरीब लोग हैं, गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति की व्यवस्था को महसूस करते हुए उसका काम कर, तभी मैंने उसके जूतों पर चकतियां टाकी। अपनी आप यकीन करें, उस समय में चकतियों की जगह आंखें टाकता हूं और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। कवि कहते हैं विश्वास कीजिए बाबूजी, उन जूतों पर टकी हुई वे जो चकतियां हैं, जूतों पर चकतियां टाकी हैं, विश्वास कीजिए बाबूजी, उन जूतों पर टकी हुई चकतियां जूतों की मरम्मत ना होकर के मेरी आंखों की आंखें ही टक गई हैं, मेरी आंखें टक गई हैं, चकतियां जूतों की मरम्मत ना होकर के मेरी आंखें टक गई हैं, ये मेरी सारी संवेदना उभर आई है, उसे देख करके मेरे अंदर के भाव जागृत हो गए हैं, ये मेरी व्यवस्था ही है। कवि कहते हैं वस्तुतः मैं बड़ी मुश्किल से अपने जैसे पेशे में पड़े हुए आदमी को निभा पाता। कवि कहते हैं सत्य तो यह है कि इसकी वजह इसको वही जानता है जिस पर बीतती है। कवि कहते हैं कि सत्य तो यही है, यही सत्य है कि जो जिस पर बीतती है वो ही इसकी वजह को जान सकता है। कहते हैं ना, जाकी फटी ना विवाही वो क्या जाने पीर पराई, जिसकी विवाही नहीं फटी है वो दूसरों के दर्द को क्या समझता है। इसलिए कभी कहता है कि जो व्यक्ति पर जो बीत गई है वो ही व्यक्ति जान सकता है कि, और वो व्यक्ति जान सकता है और निभा पाता है जिस पर बीत चुकी है, और जिस पर नहीं बीती है वो व्यक्ति इसके अनुभव को नहीं पहचान पाएगा। तो कवि धूमिल ने दलित शोषित व्यक्ति की जो मन स्थिति है उसके साथ साथ मोची राम की जो सहानुभूतिपूर्ण जो मानवता और मानसिकता को भी अभिव्यक्ति दी गई है, मानवता और मानसिकता की अभिव्यक्ति दी गई है, इसमें जो भाषा है वो बहुत ही सरल सहज भाषा है और व्यंगात्मक शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।